अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम ये वाला स्केच ड्रॉ करेंगे, तो चल के देखते हैं कि ये स्केच हमारा कैसा ड्रॉ होता है। इसके लिए हमें चाहिए ये वाइट स्केचिंग नोट्स, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर एंड स्केल। सो सबसे पहले हम पेंसिल शार्प कर लेंगे। पेंसिल की लेड जितनी बड़ी होगी उतनी हमारी स्केचिंग अच्छी होगी। तो सबसे पहला काम हमने यही करना है कि हम पेंसिल शार्प कर लेंगे। ये पेंसिल हमारी हो गई शार्प, और ये आप मेरा लेड देख सकते हैं, बहुत बड़ी लेड रखना है आपने ताकि आपकी स्केचिंग अच्छी हो सके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसका फेस ड्रॉ करेंगे। फेस में हमारे पास सबसे पहले इसकी नोज़ आ जाएगी। हल्का सा कर्व करना है नोज़ में, और नोज़ के साथ ही हमने इसका इसके लिप्स वो ड्रॉ करने हैं। ये लिप्स ड्रॉ हो गए, और साथ ही आ जाएगी चिन। बस इसके बाद चिन ड्रॉ करेंगे। ये इसकी आईज हमने क्लोज ड्रॉ करनी है, हमने आईज को ओपन नहीं करना, सो ये बंद ही रहेंगी। उसके बाद साथ ही इसका ऊपर से हेयर्स आ जाएंगे। हेयर्स हमने आज शॉर्ट ड्रॉ करने हैं। ये एक यहाँ से लाइन हेयर्स की बिल्कुल चिन के साथ अटैच करके हमने ये लाइन ड्रॉ करनी है। ये जो चिन है इसके साथ हमने हेयर्स की लाइन ड्रॉ करनी है, ये, और ये शेप देनी है हमने एक यहाँ से लेयर और एक हेयर्स की यहाँ से लेयर। और ये बैंग्स कटे हुए हैं इसके हेयर्स के, आगे से हमने बैंग्स की शेप देनी है। और ये जो फ्लावर्स यहाँ पे आ जाएंगे हमारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये बैंड लगाया हुआ है, ये बैंड आ जाएगा। ये हमने पूरी लेयर बनानी है फ्लावर्स की। जो इसके पूरे बालों को कवर कर लें। इसके बाद हमने ये ऐसे ही छोड़ देने हैं तीन फ्लावर्स बना के। हमने अब नीचे से शेप देनी है, ये आ जाना है इसके। ये शर्ट की शेप दी, यहाँ से इसका आर्म, आर्म ड्रॉ करना है। ये सेकंड लाइन आर्म की, और ये आ गया इसका हाथ। यहाँ से जाके थोड़ा सा बस कर्व करना है, बिल्कुल इतना सा, और फिंगर्स ड्रॉ करनी है अब हमने। और यहाँ से अंदर को कर्व कर देना है, जैसे ऊपर से हमने इतना सा कर्व किया था वैसे ही हमने नीचे से कर देना है। ये नीचे से इसकी शर्ट आ जाएगी, और ये यहाँ तक।
अब हमने इसकी जो है शर्ट, उसके साथ ही हमने इसकी स्कर्ट के लेयर्स बना देने हैं। ये आ गया फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर में कितनी लेयर्स हैं? 1, 2, 3, 4 लेयर्स इसकी फर्स्ट लेयर में आ गई। ऐसे ही इसकी सेकंड लेयर हम ड्रॉ करेंगे। 1, 2, 3, 4 बिल्कुल ऐसे ही इसकी थर्ड लेयर। 1, 2, 3, 4 ऐसे इसकी फोर्थ लेयर आ जाएगी। और ऐसे ही इसकी आ जाएगी फिफ्थ लेयर। थोड़ी सी हमारी इसको हम मज़ीद बनाएंगे। ये फिफ्थ लेयर बन जाएगी इसकी। अब हमने ड्रॉ करना है एक ट्री। ये बिल्कुल इसके साथ साथ इसकी बैक साइड, हम इसके बिल्कुल बैक साइड पे हम ट्री ड्रॉ करेंगे। आपने एक स्केल ले लेना है, स्केल के साथ ये आपने ड्रॉ की लाइन, ये लाइन आ गई, ये होगा हमारा ट्री। और ऊपर से हमने ट्री की वेन्स बनानी है ऐसे। 1, 2 फिर इसको स्ट्रेट ले आना है, फिर 1, 2 फिर स्ट्रेट आ जाएगा। ये बिल्कुल यहाँ से 1, 2 एक यहाँ से 1, 2 ये हमने यहाँ तक लेके यहाँ से सेकंड दोबारा शुरू कर देनी है। 1, 2 ऐसे ही सेम एज इट इज इस साइड पे 1, 2 और इसको यहाँ से हम यहाँ लेके जाएंगे। ये एज इट इज ऐसे ही। और ये यहाँ से हमारा ट्री कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने छोटे छोटे लीव्स ड्रॉ करने हैं इनके ऊपर। बिल्कुल छोटे छोटे लीव्स ड्रॉ करेंगे हम। ये देखिए, ये वाली शेप देनी है हमने लीव्स को। ये हम सारे लीव्स ड्रॉ करेंगे। ये हमारे लीव्स ड्रॉ हो गए। अब हमने इसके बिल्कुल हैंड के ऊपर एक प्यारी सी बटरफ्लाई ड्रॉ करनी है।
बटरफ्लाई हमारी ड्रॉ हो गई है। अब हमने इस ट्री को कलर देना है। तो जैसा कि मैंने स्केचिंग करनी है, मेरी स्केचिंग ब्लैक एंड वाइट है, तो मैं ब्लैक पेंसिल लूँगी और ब्लैक पेंसिल से मैं इस ट्री पे कलर करूँगी। बिल्कुल हमने ना हमने ज़्यादा लाइट रखना है ना हमने ज़्यादा डार्क करना है। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह का हम इसको कलर देंगे। अब हमने ट्री को कलर कर लिया। ट्री के बाद अब बारी है इसकी शर्ट की। पहले तो हम इसके स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स में हमने सिंपल ये वाली डिज़ाइनिंग रखेंगे और इनको हम कर देंगे डबल लेयर्स में। ये इसकी स्लीव्स बन गई। अब हमने जो इसकी वाली शर्ट है इसको ब्लैक कलर करना है। प्योर ब्लैक कलर करेंगे इसकी शर्ट को और इसके हेयर्स पे कलर होगा। शर्ट बस थोड़ा सा ही पार्ट है हमारा और नीचे इसकी स्कर्ट पे हम बस लाइट लाइट टच देंगे। स्कर्ट पे कलर हम नहीं करेंगे, हम जस्ट इसकी शर्ट पे कलर करेंगे एज इट इज़ ऐसे ही। इसको थोड़ा सा डार्क रखेंगे। रब कर देंगे फिंगर टिप के साथ।
ऐसे यहाँ पे, इसके बाल आ गए। इसके बालों पे हमने शेप हमने इनको पहले ही दे दी थी, बस अब हम इनमें लाइट लाइट ग्रे कलर करेंगे। ये इतना इसका फेस है, इसको हम बिल्कुल ऐसे ही रहने देंगे और इसके बालों को हम कर देंगे कलर। ये बिल्कुल इसका कट प्रोमिनेंट होना चाहिए इसके बालों का, ये यहाँ से बैंग्स और ये पीछे से ऐसे। ये इसके बाल आ गए। अब हमने इसके ये वाली स्कर्ट पे लाइंस क्रिएट करनी है, ये वाली ऐसे ऐसे, मतलब जितनी हमने लेयर्स बनाई है ना उतनी हम लाइंस बनाएंगे और उनको हम रैप कर देंगे इससे, तो खुद ही कलर्स प्यारे प्यारे प्रोमिनेंट हो जाएंगे। हमें कोई कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि हमारी लुक समझ आ सके हमने बनाया क्या है। जब तक डार्क नहीं होंगे तब तक पता नहीं चलेगा। और अंदर हमने लाइट कलर कर देना इसीलिए ताकि ये प्रोमिनेंट हो सके, और बाहर हम डार्क कलर करेंगे। एक बार फिर लाइन्स ड्रॉ करेंगे ताकि हम अंदर इनके कलर्स को प्रोमिनेंट कर सकें। विदाउट कलर किए अंदर कितने प्यारे कलर्स प्रोमिनेंट हो गए हैं। सो स्केचिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा स्केच अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको मेरी मज़ीद वीडियोस मिल सकें। और अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं और मुझे वीडियो का भी बताएं कि आपको किस किस्म की वीडियोस चाहिए। मुझे मज़ीद आइडियाज़ दें ताकि मैं आपके लिए वैसे ही वीडियोस लेके आ सकूं। सो दिस वाज माय वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।